हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई और हैरतअंगेज सीरीज के बारे में। हाँ, आपने सही सुना, नेटफ्लिक्स पर जल्द ही रिलीज होने वाली है एक सनसनीखेज ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर सीरीज जिसका नाम है स्कूप। इस सीरीज में हम देखेंगे जागृति पाठक की कहानी, जो एक क्राइम रिपोर्टर है और अपना काम बखूबी करती है। चलिए इस सीरीज के बारे में और अधिक जानने के लिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, स्कूप एक ट्रू स्टोरी है जो जिग्ना वोरा द्वारा लिखित किताब बिहाइंड बार इन बाइकुला माई डेज इन प्रिजन पर आधारित है। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने, जो स्कैम 1992 और मॉडर्न लव मुंबई जैसे फेमस एंड इंटरेस्टिंग सीरीज बना चुके हैं। इसमें आपको करिश्मा टना, मोहम्मद जीशान अयूब, हरमन बावेजा, देवेन भोजानी, तनिष्ठा चैटर्जी और तेजस्विनी कोल्हापुरी का दमदार अभिनय देखने को मिलेगा। इसका ट्रेलर बहुत ही अच्छा और ड्रामा से भरपूर दिखाई देता है। चलिए इसके ट्रेलर पे एक नजर डालते हैं। जी, कॉल फॉर यू। कोई नाना है, नंबर दुबई का है। क्या नाना? मतलब छोटा राजन? मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। सिर्फ 7 साल में डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बना इजी नहीं था मेरे लिए। 7 सालों में उसे 3 प्रमोशन मिले थे। कैसे? वो अपना काम निकलवा ही लेती थी। आपके डिपार्टमेंट के सीनियर्स भी तो उसकी स्टोरीज काफी इजीली कंफर्म कर देते थे। जागृति पाठक, यही तो मेरी एबिलिटी है कि मैं एक के बाद एक बड़ी बड़ी स्टोरीज डिलीवर कर सकती हूँ। Who are you? You very well know who I am. छोटा राजन ने अभी अभी जागृति पाठक को इंटरव्यू दिया है। Stay out of it. Is that a threat? If I relax even for a second, सब कुछ एक झटके में मेरी आंखों के सामने से चला जाएगा। Sen has been shot. This is a big story, Jay. The top story tonight is the shocking daylight murder of senior crime reporter Jaydev Sen. इस बार हम सब suspects हैं। पुलिस हर उस रिपोर्टर को इंटरोगेट कर रही है जिन्होंने सेन के साथ काम किया है। मतलब सेन और नाना क्लोज थे? इतना सा क्या छुपा रहा है? नाना ने इंटरव्यू के बदले क्या मांगा? मैडम, ठीक से जवाब दीजिए, बिल्कुल ठीक से। जागृति पाठक्स लिंक्स टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, फाइंड इट, टेक इट आउट। पाठक ने सेन को धमकी दी थी। मोस्टली सर्कमस्टेंशियल, मको का चार्ज कैसे बन जाता है? छोटा राजन बोल रहा हूँ, वो लेडी है ना जागृति पाठक, उसी ने भड़काया था मुझे, तो मैंने सेन को ठोक दिया। Let's wrap this. We have concrete evidence that Ms. Jagruti Pathak provided Jaydev Sen's details to छोटा राजन। अकेले नहीं होने देंगे हमारी बच्ची को। You are innocent. हमारी मम्मी एक सिंगल कॉकरोच बनना हमारी चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, तुझे हारना नहीं आता। Is there anything that you are not telling me? बाहर सब सेन के लिए लड़ रहे हैं, मेरे लिए मैं अकेली लड़ रही हूँ। स्कूप में दर्शक जो है वो दमदार अभिनय की उम्मीद कर सकते हैं। जागृति पाठक का किरदार एक बहुत ही खूबसूरत और प्रभावशाली एक्ट्रेस कश्मीरा टना ने निभाया है। इस सीरीज में हमें हाई इंटेंसिटी परफॉर्मेंस और ग्रिपिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इस सीरीज के 2 अहम किरदारों के रियल लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेखक और पत्रकार जिग्ना वोरा 2012 में एशियन एज में डेप्यूटी चीफ ऑफ ब्यूरो के पोस्ट पर काम कर रही थी, जब उनका नाम मुंबई क्राइम ब्रांच के चार्जशीट में ज्योतिर्मय डे की हत्या के मामले में आया था। ज्योतिर्मय डे मिडडे नाम की पत्रिका में जर्नलिस्ट थे, जो अंडरवर्ल्ड के बारे में लिखने में विशेषज्ञ थे। जून 2011 में उन्हें मोटरसाइकिल पर सवार शार्प शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिग्ना वोरा पर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को अपने सहपाठी पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि 2012 के जुलाई में जिग्ना वोरा को जमानत मिल गई और 2018 में ट्रायल कोर्ट ने वोरा और दूसरे आरोपी जोसेफ पॉलसन को सभी आरोपों से बरी कर दिया था।
हालांकि सरकार ने उनकी इस बरी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही माना। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसियों ने वोहरा के खिलाफ अपना मुकदमा मुख्य रूप से कई फोन कॉल्स और कुछ साक्ष्यों पर आधारित किया था। हालांकि इनमें से कोई भी कॉल ये साबित नहीं कर पाई कि हत्या वोहरा के कहने पर की गई थी। सो परिणाम स्वरूप जिग्ना वोहरा को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। स्कूप एक ड्रामा है जिसमें थ्रिलर और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का है। इसमें आप देखेंगे कैसे जागृति पाठक अपने आप को बचाने के लिए सच की खोज में जुट जाती हैं। हर कदम पर नए राज खुलते हैं और सस्पेंस बढ़ता जाता है जिसे देखने वाले कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। स्कूप को नेटफ्लिक्स पर 2 जून को रिलीज करने का फैसला किया गया है। आप इस सीरीज को अपने कंफर्ट जोन में अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि स्कूप की कहानी आप सबको जबरदस्त एंटरटेनमेंट का अनुभव देने वाली है। आप सभी इस सीरीज को देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियोस बनाएं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।